सुप्रभात, गुड मॉर्निंग छात्रों। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग अपने घर पर सेफ होंगे। प्लीज कीप सेफ योर सेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आवाज आ रही है? यस, ओके, गुड। हाँ, तो संस्कृत कक्षा में आपका जो है स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा, और क्योंकि पहला दिन है, हम शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे, स्तुति से करेंगे, प्रेयर से करेंगे। हमारे सभ्यता संस्कृति और संस्कृत में जो है ये परंपरा रही है कि हम कोई भी नया जो काम शुरू करते हैं संस्कृत में, तो उसमें सबसे पहले ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, मंगलाचरण किया जाता है। और वही मैं यहाँ पर दो या तीन श्लोकों से आपको जो है शुरू करता हूँ। उसके बाद हम अपने मूल टॉपिक पर आएंगे, आपके मेन टॉपिक संस्कृत, जो पीछे आप देख रहे हैं व्याकरणम लका। ठीक है, तो चलिएगा, 2 मिनट के लाभ आप भी जो है ईश्वर को याद कीजिएगा। त्वमेव मास्ताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम देवदेव। अर्थात हे ईश्वर, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही विद्या देने वाले हैं, और आप ही सभी प्रकार के देवी देवता हैं, अर्थात हर प्रकार से हमारी सहायता करने वाले। तो ये था पहला श्लोक। देन दूसरा, मैं फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ, अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर मां अमृतम गमे। अर्थात आपने सुना होगा इसका जो अर्थ मैं बोल देता हूँ। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे जो है मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, अर्थात मेरे हर प्रकार के कष्टों को दूर कर। ये इस तरह की भावना यहाँ पर जो है हमने इन श्लोकों में की। एक अंतिम श्लोक और आपको जो है मैं यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना से, सर्व कल्याण की, लोक कल्याण की भावना से जो ओतप्रोत है और बहुपरिचित है, इसमें आप जानते हैं ये जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी अच्छे भले दिखें, और किसी के भी भाग्य में जो है दुख ना हो। इस तरह की जो है हमारी यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति की विशेषता रही है। हम मानव कल्याण को लेकर के आगे बढ़ते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को जो हम समेटे हुए हैं, संदेश देने वाले हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो विश्व के लिए ये संदेश देने वाली है कि हम सबका भला चाहते हैं। ये था आपका प्रार्थना वाला मैटर, जिसमें हमने ईश्वर से प्रार्थना की सबके कल्याण के लिए, क्योंकि आज पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, COVID-19 का जो समय चल रहा है, वापस सेकंड दौर जो शुरू हुआ है आपका, उससे देखते हुए हम यहाँ पर सभी के लिए स्वस्थ रहने की ईश्वर से ये कामना करते हैं कि भगवान सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, मस्त रखे। और तो ये संस्कृत श्लोक के द्वारा हमने ईश्वर से प्रार्थना की। अब आप अपने संस्कृत देखिए, इस बार संस्कृत में जो है हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकें चेंज हो गई है, तो आपके जो संस्कृत में रखी गई है रुचिरा द्वितीय भाग, ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं और लिखा हुआ है रुचिरा द्वितीय भाग, एक अकेली पुस्तक है जो एनसीईआरटी द्वारा
प्रचलित है, ये आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में ये रखी गई है। अलग से ग्रामर का कोई जो बुक आपको व्याकरण का बुक नहीं दिया गया है, नहीं रखा। रेफरल बुक के लिए, संबंधित जानकारी के लिए आप कोई भी जो है संस्कृत की व्याकरण की बुक देख सकते हैं, चाहे वो पुरानी हो या किसी भी अच्छे लेखक की बुक हो, तो उसे। और यहाँ ये आप ये ना समझे कि व्याकरण है ही नहीं, व्याकरण पाठों के साथ पाठ आधारित जो भी व्याकरण होगी वो हम आपको बताएंगे, समय समय पर आपको पढ़ाते रहेंगे, उन तत्वों के बारे में बताते रहेंगे। तो इसलिए ये ना समझें कि व्याकरण बुक है ही नहीं, व्याकरण के टॉपिक भी हैं, व्याकरण के जो है आपके जितने भी कंटेंट्स हैं, पद हैं, वो पाठों में, एक्सरसाइज में, पाठ के पीछे या बुक के पीछे आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो है समय समय पर हम पाठ पढ़ाते समय ये बताएं। आज क्योंकि पहली कक्षा है, मंगलाचरण स्तुति प्रार्थना के बाद मैं जो है सीधे अपने बेसिक पे आता हूँ। आपके जो है ग्रामर का जो आपके स्तर पर, सेवेंथ स्तर पर जो मुख्य पद है, व्याकरण पद, वो है नकार। वर्ण विचार आदि हमने सिक्स क्लास वालों को बताया, पढ़ाया, आपको भी लास्ट ईयर जो है वर्ण विचारों के बारे में बताया था। अब मैं यहाँ पर जो है आपका लकार, संस्कृत में जो लकार शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लकार अर्थ एवं उनके भेद। तो ये जो है अर्थ और उनके लकार का अर्थ आप जानते हैं, संस्कृत में लकार समय या काल को कहा जाता है, अर्थात जो समय अभी चल रहा है, जो मैं आपका अभी पढ़ा रहा हूं ये वर्तमान का कार्य को क्रिया के आधार पर जो है यहाँ पर लकार को जाना जाता है। आप देखते हैं कि काम अभी हो रहा है, भविष्य में होगा, हो चुका है, या किसी को करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी को जो है प्रेरणा दी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया के आधार पर वक्त किया गया है काल को, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो काम अभी हो रहा है, आप अभी पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये वर्तमान का सबसे पहले जो है वर्तमान काल आएगा। तो लकार का अर्थ जब भी आप जाने, यहाँ मतलब आपको पूछा जाए लकार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर सामान्य रूप से सिंपल सरलता से इसे जो डिफाइन कर सकते हैं कि लकार संस्कृत में समय या काल को कहा जाए। इसे चाहे तो मैं यहाँ पर लिख दू या आपको बोल रहा हूँ, तो आप चाहे नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, रिपीटेशन हो रहा है। अभी कुछ समय तक हमारा जो है रिविजन ही चलेगा, ग्रामर पदों को हम वापस रिपीट करेंगे, कुछ जो है कमियां पिछले वर्ष रही COVID-19 की प्रोटोकॉल के कारण, आपको ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करनी पड़ी, वीडियोज आपको जो भेजे गए आपने देखा, वहां पर कुछ हो सकता है कि जो है ऑडियो वीडियो में आपको रहा हो, कोई शिकायत रही हो, तो यहाँ ये वापस जो है एक चांस है, अवसर दिया जा रहा है कि हम पूर्व में पढ़े गए, पूर्व पाठित जो है पदों को वापस आपको समझाएं, बताएं। तो इस तरह से जो है मैं ये लकार को आपको इसीलिए ले रहा हूं बता। तो लकार का अर्थ हो गया समय या काल, समय या काल को जो है लकार काल कि आप लिख सकते हैं सिंपली अपने वर्क को या जो भी जो है नोटबुक आपने ली हुई है, जहां पर आप काम करेंगे वहां हम आप ये इसका अर्थ लिख रहे हैं। सबसे पहला पार्ट लकार, दूसरा लकार कितने प्रकार के, तो यहाँ पर देखिए लकारों के भेद, लकार जो है लकार अर्थ और उनके भेद। अर्थ पर हमने यहाँ पर पढ़ी, इसको अर्थ कर लिया। अब लकार के भेद, लकार के भेद के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। लकार संस्कृत में पांच प्रकार के होते, पांच प्रकार के आपको पढ़ने होंगे। आपने हिंदी में अब तक जो है सामान्य रूप से तीन लकार ही पढ़ेंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य, जो है ये तीन ही आप पढ़ते हैं।
और तीनों के बाद में गाने, यानी कि एक जो समय चल रहा है, एक गाने वाला और एक जो बीत चुका, इन्हीं के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन अब जो है हम संस्कृत में पूरे पांच लकारों के बारे में, दो रेण हो गए आपके और ये इस तरह से जो है पांच लकार हो जाएंगे। सबसे पहला आपका जो है वर्तमान काल से शुरू होगा, तो वर्तमान काल को संस्कृत में यहाँ पर क्या बोला जाएगा, लट लकार। बोलने के साथ ही लिख भी रहा हूँ, ध्यान दें आप, वहां तक शायद मेरी आवाज आए कि आ रही है ना, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं। ओके, तो लकार संस्कृत में पांच प्रकार के होते, पांच प्रकार। और पहला प्रकार आप देख रहे हैं यहां पर जो है लट लकार। ये लट लकार है, इसका प्रथम भेद जो है लकार का वो लट लकार। लट लकार तय के नीचे हलंत लगा हुआ है और लकार, लट मीन्स वर्तमान का, ये लकार आपका है वर्तमान के लिए प्रयोग में आता है। तो समय चल रहा है अभी वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला नंबर इसका लट लकार। नंबर टू, दो नंबर पर आता है दूसरे नंबर पर आपका जो है लट लकार। टै के नीचे री लगेगी छोटी और टै के नीचे यहाँ हलंत लगेगा, तो इस तरह से लट लकार, लट लकार आपका दूसरा भेद है। और इसमें जो है आप देखेंगे ये भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, भविष्य काल, भविष्य काल के लिए इसे लट लकार को प्रयोग किया जाता है संस्कृत। तो दो हो गए। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे लंग लकार, जो ग वर्ग का अंतिम वर्ण है अंग, दैट शुड बी प्रोनाउंस, इसको आपको क्या बोलना है, लंग लकार। आप इसको लड लकार नहीं बोल सकते, ये डन होकर के अंग है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण आपको लंग लकार के द्वारा करना है। तो लंग लकार दैट मींस भूत काल, ये आपका जो है तीसरा काल हो गया भूत काल। भूत काल का बीता हुआ समय, तो समय बीत चुका है वो यहां पर जो है भूतकाल का, तो इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बीता हुआ समय, तो जा चुका है, बीत चुका है, तो ये बीता हुआ समय। यस बेटा, व्हाट इज द डाउट, क्या डाउट है, आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, ऑडियो ऑन कीजिए। देखिए आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में उसे क्लियर कर सकते हैं। अभी आपका तो हम नहीं सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है ना, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? ओके, अगर फिर भी कोई डाउट नहीं तो आप जो है डाउट क्लास में पूछ लीजिए। अभी आप इसको अटेंड कीजिए, क्लास को सुनिएगा। हाँ जी, तो ये था आपका तीसरा काल जो है बीता हुआ समय। तो ये तीन काल तो आपके मुख्य हो गए जो हिंदी में भी आप पढ़ रहे हैं। नाउ फोर, चार नंबर पे आने वाला जो लकार है आपका संस्कृत में वो होगा लोट लकार। क्या बोलेंगे उसे आप, लोट लकार। लोट लकार का अर्थ है द आज्ञा का। आप इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है इंपरेटिव मोड के नाम से जानते हैं।
तो ये जो है आज्ञा देना, लेना, पूछना, ये संस्कृत में लोट लकार के द्वारा जाना जाता है। तो ये आपका जो चौथा ताल होगा संस्कृत में, लकार होगा, वो है लोट लकार। मैं याद कर रहा हूं, ये लोट लकार, और इसका हिंदी अर्थ होगा आज्ञाकार। आज्ञाकार, तो इसको आज्ञाकाल का नाम दिया गया है, यानी कि आज्ञा लेना, परमिशन लेना और देना। चाहे आप परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, आप किसी को कह रहे हैं बच्चे यहाँ आओ, आप ये मत करो, आप वो करो। जैसे अध्यापक अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे बात नहीं करें, आप यहाँ आओ, ये पढ़ो, वो लिखो, ये जो आज्ञा देना होगी, ये आज्ञा काल में आएगा। तो किसी को जो है, और यदि आप परमिशन ले रहे हैं, जैसे आप क्लास में आते हैं, क्या सर मैं आ जाऊं, मैं आएगा मैं सर, ये भी जो है इसी में आपको जो है आएगा आज्ञा काल। तो ये था आपका चौथा था। अब इसके बाद पांचवा अंतिम जो लकार है यहाँ पर संस्कृत का, वो आप देख रहे हैं, इसको हटा के ऊपर लिखूंगा। देखिए यहाँ पर तो आप इसको जो है पांचवा जो लकार है वो है नंबर फाइव, विधि लिंग लकार। विधि लिंग, ये विधि लिंग लकार इस तरह से लिख गया, और इसका अर्थ है चाहिए। जिसको आप इसको प्रेरणार्थ काल भी कहा जाता है, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। तो इसको जो चाहिए काल बोला जाता है हिंदी में, और संस्कृत में जो है विधि लिंग लकार, इंग्लिश में आप इसे पोटेंशियल मोड का नाम देते हैं, पोटेंशियल। तो ये जो है इस तरह से आप इसको पांचों लकारों को समझेंगे। देखिए सिक्स में आपने केवल लट और लट लकार के बारे में पढ़ा, दो ही लकारों को हमने आपको पढ़ाया था। अब आपके इस बार जो है लट लकार और लोट लकार भी जो है जुड़ जाएगा, दो लकार और आ जाएंगे। हो सकता है एनसीईआरटी की, चूंकि ये बुक नहीं है, रुचि राजनीतियों भाग है, और इसमें आपको मिले जुले रूप में पांचों ही लकारों को पढ़ना, इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि पहले आप लकारों का अर्थ, उनके भेद, उनका जो है यहाँ प्रयोग, ये समझ। तो ये थे आपके पांच लकार। सबसे पहले लट लकार, आपको ये ध्यान रखना लकार की अर्थ हो ही गया आपको पता, कि लकार संस्कृत में समय या काल को कहा जाता है। संस्कृत में लकार पांच तरह के होते हैं, आप नोट करते जाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये लकार पांच तरह के, सबसे पहला लकार हो गया आपका लट लकार जो कि वर्तमान काल है, दूसरा है लट लकार भविष्य काल है, तीसरा है लंग लकार बीता हुआ समय भूतकाल के लिए होता है, और चौथा है आपका लोट लकार जो कि आज्ञा काल, आज्ञा देना और लेना। इस तरह से ये चार लकार और पांच अंतिम जो लकार है आपका विधि लिंग लकार, इसका मतलब चाहिए या प्रेरणार्थ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ आपके चाहिए अथवा प्रेरणा काल, वो प्रेरणा काल जो प्रेरणार्थ है या प्रेरणा काल, ये आपके पांच पूरे लकार होते हैं संस्कृत। अब आप जानते हैं कि क्रिया को जो करने के लिए शब्द या कोई भी वाक्य बोला जाता है, तो हर उसका काल का समय को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वो चिन्ह होते हैं। जैसे वर्तमान काल का जो चिन्ह है या प्रकट करने वाला है जो शब्द है वो है ता है, ती है, ते है, क्या रहा है, रही है, रहे है। इस प्रकार से जो है ये चिन्ह होते हैं वाक्य के अंत में, शब्दों के अंत में, तो हम पता लगाते हैं उससे कि ये जो है वर्तमान काल जो समय चल रहा है वो है। लेकिन अगर वाक्य के अंत में जैसे था, थी, थे या गया, गई, गए आदि ये शब्द हैं, तो वहां हम देखते समझ जाते हैं कि ये बीते हुए समय के लिए बात हो रही है, अर्थात ये लंग लकार आपका जो नंबर टू पे आया है वो लंग लकार होगा बीता हुआ समय। तो हिंदी में तो इस तरह से आपको पता लग जाता है।
गागी गे, ये अगर अंत में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये जो दृढ़ लकार भविष्य काल आने वाले समय के लिए कहा जा रहा है। तो इस आप अंत में आए हुए शब्दों को देख करके पता लगा, लेकिन संस्कृत में कैसे पता लगे ये समझने वाले, संस्कृत में भी आपको जो लकारों को समझना। तो यहाँ संस्कृत में कुछ चिन्ह दिए हुए हैं जिनको प्रत्यय बोला जाता है। प्रत्ययों को जो है आप हर लकार के अपने क्रिया प्रत्यय हैं, उन क्रिया प्रत्ययों को लगाएंगे अपने आप आपको जो है समझ में आ जाएगा। और क्रिया प्रत्यय यहाँ पर चूंकि जो है उसके साथ पुरुष और वचन दोनों जुड़े हुए हैं, पुरुष भी आपको अब सामान्य रूप से पुरुष की जानकारी से आपको बताई दिया गया था सिक्स में, और फिर आपको यहाँ पर दोहराया जा रहा है पुरुष और वचन के लिए आपको जो है जानकारी होना ही चाहिए। अगर तो ये पुरुष वचन साथ में होंगे, प्रथम मध्यम उत्तम तीन पुरुष होते हैं और इसके साथ ही तीन वचन, संख्या के आधार पर करने वाला काम एक है दो है या तीन है। यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन भी होंगे, साथ साथ सब चलेंगे आप इसी काल के साथ पुरुष और वचन। और अब प्रथम पुरुष में आइए आप, तो प्रथम पुरुष में जो है यहाँ आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता है करने वाले हैं वो जो है वह वेदों वेश, यहाँ हिंदी से थोड़ा सा अलग अड़चने होगा, जो प्रथम पुरुष आप वहां पर इंग्लिश में या हिंदी में मानते हैं इंग्लिश में स्पेशली वो आईवी के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो है ये उत्तम पुरुष जो है एक तरह से हो जाएगा इसमें प्रथम पुरुष में सतोते यानी कि थर्ड पर्सन, वह दूर पर स्थित कोई भी व्यक्ति है स्थान है वस्तु है तो वो जो है प्रथम पुरुष में आए और उसको वह वे दो वे सब ये नाम देंगे। और संस्कृत में अगर इनको हम बोले तो जो है वह के लिए स शब्द है, वेदों के लिए तौ है और वे सब के लिए ते है, तो इस तरह से जो है वहां पर आपको स तो ते शब्द मिलेंगे। अब अगर जहां कर्ता का सवाल आता है तो उसमें फिर लिंग के साथ में चला आता है, लिंग यानी जेंडर आप जानते हैं इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग सामान्य रूप से आपने देखा होगा हिंदी में केवल आपने पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में जो है तीन आपको बताए गए थे गत कक्षा में भी, तो इसमें आपको कहा गया था कि संस्कृत में तीन लिंग है, यहाँ पर जो कर्ता के आधार पुल्लिंग स्त्रीलिंग और तीसरा है आपका जो कि नपुंसक लिंग जो न्यूट्रल है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा वो यहाँ पर जो है नपुंसक लिंग कहलाए। तो ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आप तीनों जो है लिंगों को यहाँ पर समझेंगे प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष अगर मान लीजिए ये जो है कर्ता पुल्लिंग है तो उसमें जो एक वचन के लिए तो जो है आपके स शब्द का प्रयोग होगा, द्विवचन के लिए तो का होगा और बहुवचन के लिए ते शब्द पुल्लिंग। लेकिन अगर यही हम जो है देखें उसमें स्त्रीलिंग में जाए तो सा तेता यानी कि वह एक लड़की वे दो लड़कियां और वे सब लड़की, तो ये जो है स्त्रीलिंग में होगा। तो इसको जो है आप एक वचन द्विवचन और बहुवचन सा वह एक लड़की ते वे दो लड़कियां ता वे सब लड़की, तो जो है हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार उनको जो है नाम देंगे। तो ये जो है आप ध्यान रखें पुल्लिंग में सतोते आपके पास है कर्ता, स्त्रीलिंग में सातेता है और नपुंसकलिंग में ततेतानी, तत्यानी वह एक वस्तु दूर पर स्थित कोई भी जैसे कोई फल है पंखा है पुस्तक है या कोई अन्य वस्तु है जो दूर पर रखी हुई, तो इस तरह से उनको जो है
नाम तत्ते तानी के द्वारा दिया जाए। मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख के बता देता हूं, देखिए क्योंकि हम यहाँ लकार घट लकार को समझ, तो लकार के साथ ही सारी चीजें आपको समझ में, लट लकार के क्रियापद ये देखिए मैंने लिखा है आपको, लट लकार के क्रियापद यानी वर्तमान काल के क्रियापद क्या है संस्कृत में, किन के आधार पर आप इनको जो समझोगे जानोगे तो ये यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। इनको समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा मैं समझाता हूँ। ये पहले जो देखिए नंबर वन दो और थ्री के तीन और सबसे जो पहला ये इधर चार हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे सबसे लेफ्ट में जो आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे पर्सन प्रथम पुरुष, प्रथम और पुरुष के लिए मैं यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग करूंगा केवल। फिर इसमें जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष हो जाएगा और फिर उत्तम। इस तरह से जो है ये नाइन लोग हो जाएंगे यहाँ पर। ऊपर से देखेंगे तो आप ये है आपका ये पहला कॉलम है एक वचन के लिए, एक वचन यहाँ पर द्विवचन और इसमें बहुवचन के लिए। ये बहुवचन तो इस तरह से आपको जो है ये नाइन ब्लॉक के यहाँ पर बताए गए हैं। तो प्रथम पुरुष के जो कर्ता होंगे पुल्लिंग में तो है सर, इस तरह से आप समझो। स्त्रीलिंग में ये ही आपको सा के रूप में दिखाई दे, सा यानी वह है एक लड़के, और नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग होगा। तो ये जो एक कर्ता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो है तो ये कर्ता वह एक उपे दो, स्त्रीलिंग में तेज शब्द आ जाएगा वे दो लड़कियां, और नपुंसक लिंग में ते, तो यहाँ भी नपुंसक लिंग में ते शब्द का प्रयोग होगा जो कि वेदो पुस्तक वेदो पंखे वेदो फल आदि होंगे। नेक्स्ट बहुवचन में हो गया तो पुल्लिंग के लिए ते शब्द होगा आपके पास जो कि स्त्रीलिंग में आपको नपुंसक लिंग के द्विवचन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको ते शब्द पुल्लिंग में बेसब लड़के वे सब छात्र वे सब कोई भी जो है पुल्लिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है स्त्रीलिंग में जाओगे तो ता और नपुंसक लिंग में जाओगे तो तानी तान। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रथम पुरुष के ये तीन कर्ता है। इसके बाद मध्यम पुरुष में आप आओगे तो मध्यम पुरुष में जो है ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई यहाँ पर वो प्रभाव नहीं होगा। मध्यम पुरुष में आपको ध्यान रखना है मध्यम पुरुष में लिंग का प्रभाव नहीं होगा, तीनों कर्ता सेम होंगे। तो हम युवा युवी तो आप यहाँ सीधा जो है ये छोटे जिसको मैं पुल्लिंग के लिए भी स्त्रीलिंग के लिए भी नपुंसक युवा शब्द और युयम युयम शब्द ये तुम सबके लिए तुम दो तुम सब। और इसी तरह जो उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष में भी जो लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तम पुरुष के उपयोग करता है मैं एक बोल रहा हूँ अभी हम दो हैं सर हैं तो हम दो हो जाएंगे, और अगर हम दो से अधिक हैं तो हम सब हो जाएंगे। तो इसको जो संस्कृत में अहम आवाम और वयम की जो है दिए ये है आपके जो है कर्ता प्रथम पुरुष के मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। तो यहाँ तीनों पुरुषों के साथ जो है किसी भी लकार की जो है ये उनकी
तीनों पुरुषों में विभक्ति की गई है और क्रिया के प्रत्यय जो कि लट लकार के साथ लगेंगे वो मैं आपको अगले आरांश में जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको बताएंगे कि वो क्या है लट लकार के। जैसे पहले सबसे पहले हम लट लकार लेंगे, फिर लंग लकार लेंगे और उसके बाद दृढ़ लकार लौट लकार विधिलिंग लेंगे। तो आज समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है और इसको जो है मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। आप इतना ध्यान रखें तो बताया गया है कि जो है आपका लटकार का अर्थ क्या है, उनके भेद कितने प्रकार के लकार हैं और ये सबसे पहले जो है प्रथम अष्टम और उत्तम। तो यहाँ मैं अपने बात को विराम देता हूँ और आपको जो है इनको याद करना है देखना है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। आप अपने आप को रिमूव कर सकते हो बेटा। वीडियो जो आपके पास आएंगे आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिए उसमें जो है, ताकि आपको यहाँ पर